हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्राइव एक्सपो। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अर्टिका का 2022 फेसलिफ्ट ZXi प्लस वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में, जो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। ऑटोमेटिक में भी आता है, उसकी वीडियो बाद में आएगी। अभी जो है ये ब्लू कलर में खड़ी है, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 1.5 लीटर जो इसका नया ड्यूल जेट इंजन आया है। पहले बार जो अभी लॉन्च ही हुआ और पहली गाड़ी है जो जिसमें वो आया वो अर्टिका ही है। तो चलो इसको थोड़ा सा आगे निकालते हैं या इसको छाया में लेके चलते हैं, वहाँ छाए इसको वहाँ ले चलते हैं, वहाँ आराम से इसकी वीडियो बनाते हैं। क्योंकि गाड़ी के अंदर जाता हूँ मेरा फ़ोन गर्म होता है और फिर इसका कैमरा बंद हो जाता है, कैमरे के सब कुछ ही बंद हो जाता है इसका, फिर चलता ही नहीं है ये। तो इसलिए इसको यहाँ से वहाँ लेकर चलते हैं, फिर इसके बारे में आपको बताते हैं। तो चलो बैठते हैं इसके अंदर, क्लच दबाया, गाड़ी स्टार्ट, इसका विंड ब्लास्ट भी ऑन। चल भाई, ये रहा इसका 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, चलो चलते हैं। बाकी क्लच पे ही उड़ जाती है जैसे डीजल गाड़ियाँ उठती है ना, अब वही हो गया सारा, अब कोई टेंशन ही नहीं है। अब मैंने छोड़ दिए, गुड इवनिंग मैडम, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। अरे डाल रहे, यहीं तक तो जाना है। फ्यूल लेवल इज लो। अब देखो मैंने कुछ भी नहीं दबा रखा इसमें, अपने आप मस्त चले जा रही है। बस अब इसको मैं यहाँ लगा लूँगा छाया में। ये आई छाया, ये पत्थर गए और ये यहाँ हमने दी रोक। और तू म्यूट हो जा मैडम। तो चलो अब इस गाड़ी के अंदर बाद में दोबारा आएंगे। जो जो अभी दिख गया देखो मोशन, वाह मारुति सुधर तो रही है पर कई चीज़ों में नहीं सुधर रही, वो भी मैं बताऊँगा। तो चलो अब इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। मॉडल तो वहाँ भी सबको पता है, अब जो जो पुरानी वीडियो देखता है उनको पता है कितनी वहाँ खड़ी हैं। बाकी अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये ब्लू कलर में आपको ZXi प्लस वेरिएंट है ब्लू कलर में। हेडलैम्प्स की बात करूँ तो इसका प्रोजेक्टर हेलोजन है, LED है, वो सब मैं आपको अभी जला के भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। बाकी ये अभी स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो इसका हो गया प्रोजेक्टर, ये इसका हाई बीम, और नीचे उसके ऊपर आपको यहाँ मिल जाता है इसका पार्किंग बल्ब, ये इसका इंडिकेटर। DRL वगैरह कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया ZXi प्लस में भी, हेलोजन ही आपको फॉग लैम्प दे दिए, जो Vitara वाले LED थे वो भी नहीं दिए। तो चलो कोई नहीं, अब जो दे दिए दे दिए। फ्रंट में जो मेजर चेंज है या थोड़ा मिनिमम चेंज है या फेसलिफ्ट के नाम पे धब्बा है, कुछ भी कह लो, बीच में बस एक ग्रिल चेंज करी और कुछ नहीं किया इन्होंने। ये ग्रिल डाल दी, थोड़ा इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया, क्रोम का नई ग्रिल बना ली। कुछ टाइम में लोग इसको अपनी पुरानी वाली में लगवाना शुरू कर देंगे, जिनका एक्सीडेंट हो जाएगा तो वैसे भी ये लगवाएंगे, कभी टूट टाट गई तो, वैसे ही बहुत टूटती हैं हल्के से झटके में। तो चलो ये थी फ्रंट की बात। बाकी हाँ, फ्रंट की रेडिएटर ग्रिल और दिखाता हूँ। ये होगी इसकी फ्रंट की रेडिएटर ग्रिल, ये होगी इसकी फ्रंट की लाइसेंस प्लेट की प्लेसमेंट। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये अब इसके ड्यूल टोन आ गए आप अलॉय व्हील्स, पहले आते थे ये सिंगल टोन में। चाहे कोई भी वेरिएंट ले लो आप, इसका ZXi ले लो चाहे ZXi प्लस ले लो, ZXi प्लस में बस ये होता था कि मैग्मा ग्रे कलर लेते थे ना अगर आप, तो उसके साथ उसके उससे मैचिंग के ही अलॉय व्हील्स मिलते थे, वरना ब्लू लो तो उसके साथ भी सिल्वर ही होते थे। तो कुछ खास उस टाइम मज़ा नहीं था ड्यूल टोन, अब आए हैं जाके ये। और जो इनकी कैप्स हैं वो अंदर पड़ी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा डिलीवरी के टाइम वो इंस्टॉल होती हैं। ब्रिजस्टोन की कंपनी टायर दे रही है, और टायर साइज़ की बात करूँ तो वो भी वही सेम है, 185/65R15। फ्रंट में मिलती हैं आपको इसकी डिस्क ब्रेक्स, रेयर में मिलेंगी आपको इसमें ड्रम, ब्रिजस्टोन के चार टायर तो हैं ही। बाकी साइड प्रोफाइल की और बात करें तो चेंज तो खाली यही है, बाकी आपको बॉडी कलर ही आपको इसके मड फ्लैप्स मिल जाते हैं अब, या मड गार्ड्स, 1, 2, 3, 4 चारों हैं। तो चारों के चारों आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं क्रोम वाले है। कीलेस एंट्री आपको ड्राइवर साइड मिलती है, पैसेंजर साइड मिलेगी क्योंकि ZXi में भी थी ये, तो फिर भी प्लस है। तो ये देखो इसमें भी आपको मिल जाते हैं, यहाँ पैसेंजर साइड भी कीलेस एंट्री मिल जाती है। तो साइड प्रोफाइल में भी कुछ खास चेंज तो है नहीं, बस अलॉय व्हील्स का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ए पिलर आपको बॉडी कलर मिलता है, बी पिलर आपको ब्लैक आउट मिलता है, दोनों के दोनों। सी पिलर भी आपको ब्लैक आउट मिलता है, और ये फिर क्लास आ गया तो सी, और कुछ है ही नहीं इसका। अब करते हैं रेयर की बात, जहाँ इसमें मूछें लग गई हैं बस और कुछ नहीं किया, एक है सफ़ेद मूछ लगा दिया कंपनी ने यहाँ पे, मूछ क्या वही क्रोम गार्निश लगा दी, एक छोटी सी टेस्टिंग वाली में थी नहीं डिलीवरी, जब प्रोडक्शन में डालनी थी ना इंजन में वगैरह टेस्ट करके बस सीधी तब लगाया, उससे पहले लगाया ही नहीं। ये आपको प्लास्टिक का मिलता है, ये इसका सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश में, रेयर वाइपर एंड डिफॉगर आपको मिल जाता है, ये इसका हो गया रेयर वॉशर, ये हो गया इसका हाई स्टॉप लैंप्स। बाकी इसमें जो कोई भी लो ना तो कंपनी से एक बार स्पॉयलर ज़रूर लगवाना, तभी इसकी पीछे से लुक आती है, उसके बिना ये बेकार लगती है पीछे से। और मेरा फ़ोन फिर गर्म हो गया है, ये कभी भी बंद हो सकता है अगर वीडियो कट हो जाए तो, डोंट माइंड, मुझे कई बार पता नहीं चलता, मैं अपने आगे वीडियो बनाता हो रहा हूँ और ये बंद हुआ पड़ा वहाँ से।
तो हाँ, जो मैं बता रहा था ना, स्पॉइलर लग जाता है ना तो इसकी लुक थोड़ी ना, और मतलब थोड़ी और बहुत ही अच्छी हो जाती है। अभी तो ऐसी लग रही है बिल्कुल नंगी नंगी सी, बस वो लग तो इतनी बढ़िया लगेगी उसके बाद। तो ये लेफ्ट साइड आपको मिलती है अर्टिगा की बैजिंग, राइट साइड आपको मिलेगी इसकी स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग। CNG में अगर लोगे ZXI वेरियंट, ये तो प्लस है, इसमें तो आएगी ही नहीं। ZXI वेरियंट में आपको इस फिर स्मार्ट हाइब्रिड नहीं मिलेगा, खाली CNG का यहाँ पे आपको स्टिकर मिलेगा। उसके बाद स्टिकर क्या मिलेगा, CNG भी मिलेगी। चलो ये यहाँ यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरे, जो खाली आपको ZXI प्लस में ही मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट बटन मिल जाता है, बाकी ये बट ये भी है ही। ओ यार क्या काटा, चीटियाँ बहुत हो गई हैं। बाकी ये भाई आप इनको हटा सकते हो तो इनका आपको फिर यहाँ पे बूट स्पेस बढ़ जाएगा इनको हटा के। हाँ, जब CNG का सिलेंडर लग जाएगा तो ये थोड़ा सिलेंडर इसकी वजह से ही नीचे जा रहा है। बाकी ये जो कलर थोड़ा कंपनी ने चेंज किया, नया कलर लगा दिया। सीट्स की बैक पे भी सारा यही मिलेगा आपको, अंदर भी आगे तक यही है। और जो इसके जैक वगैरह आपको रखना होता है ना, वो आप यहाँ रख सकते हो इसमें। ये देखो वो तो अभी अंदर पैक पड़े हैं, मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा मैंने आपको दिखा दिया, चार रिवर्स में आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं इसके रियर बम्पर पे। 1, 2, 3, 4 दो डमी रिफ्लेक्टर, जो इसका स्पेयर टायर है वो ये पड़ा पड़ा क्या, ये लगा रखा कंपनी ने नीचे यहाँ पे। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। कीलेस एंट्री तो है ही वैसे तो ड्राइवर साइड डोर पे आपको वही चारों पाम विंडो से कंट्रोल, कार लॉक अनलॉक, पाम विंडो चाइल्ड लॉक, ये इसके ओरियम से कंट्रोल, फोल्ड अनफोल्ड आप यहीं से कर सकते हो ना इलेक्ट्रॉनिकली। बाकी इसका क्रोम डोर हैंडल्स, कार लॉक अनलॉक तो है ही, अनलॉक तो पड़ी है। ड्राइवर साइड सीट आपको हाइट एंड बैक एडजस्टेबल दोनों मिलती है, हाइट के लिए ये, बैक के लिए ये। और जो सीट्स का कंपनी ने अभी ये डिज़ाइन भी चेंज कर दिया और कलर भी चेंज कर दिया, अब थोड़ा डार्क दे दिया यहाँ पे। अरे आ जा, ओहो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्टीयरिंग व्हील, जहाँ पे इस ZXI प्लस में पहला डिफरेंस है ZXI से। सीट पूरी पीछे, बैक पूरी रिक्लाइन। अब देखो तो पहले चेंज इसमें आपको मिल जाती है वुडन फिनिश, अभी है थोड़ी डार्क कलर में हो गई है, पहले हल्की लाइट कलर था। और बाकी आपको लेदर स्टिच भी मिल जाता है, पहले भी मिलता था ZXI प्लस में, ZXI में नहीं था ना अभी है। और एक यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, इसको सेट वगैरह करना है कैंसिल करना हो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके मोड चेंज करने के, वॉल्यूम प्लस माइनस म्यूट सब यहाँ पे है। बाकी नीचे फ़ोन उठाना है काटना, और यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉइस कमांड का बटन, ठीक है। दो एयरबैग आपको मिलते हैं फ्रंट में, यहाँ पे एक और ये दो, ठीक है। फ्रंट के आपके दो एयरबैग्स हो गए। और जो यहाँ फ्रंट में मतलब सेंटर कंसोल पे जो चेंज है, ये इसका म्यूजिक सिस्टम का है, जो बेलिनो में इनका आया था ना, चेंज करा था पूरा अंदर का, वो इसमें भी कर दिया है। जो ZXI उसमें वही पुराने वाला आ रहा है, ZXI प्लस में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे अब आपको इसमें एवरेज वगैरह बताया गया, यहाँ पे रेंज वगैरह जो भी आपकी पूरी होगी। ओहो, और ये FM वगैरह इसका यहाँ से चेंज होगा, जो मैं करूँगा नहीं। और ये यहाँ पे टाइम डेट सब यहाँ पे है, फेवरेट्स में आप जाओ वो ये जब कोई परचेज कर लेगा तो अपने आप देख सकता है। फिर तो अभी तो कुछ है ही नहीं इसमें। पेयर डिवाइसेस यहाँ से जा सकते हो आप वहीं से दोबारा इन्हें पेयर भी कर लो। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करना है, प्लीज़ कनेक्ट स्मार्टफोन गाइड। चलो ये तो सब बात होता रहेगा। और ये आपको बाकी सेटिंग्स हो गई डिस्प्ले की, डेट टाइम लैंग्वेज सिस्टम इन्फो सॉफ्टवेयर, ये नो सिस्टम इन्फो भेजाना है। सॉफ्टवेयर वर्जन है इसका 50U, जो भी सॉफ्टवेयर वर्जन है यहाँ लिखा रहा है ओपन सोर्स। और हाँ, इसमें जो चेंज है ना, वो मैं बताना भूल गया कि जो दूसरा था ना ZXI वाला, उसमें यहाँ पे वॉइस कमांड का बटन नहीं था, और ये होम का बटन भी उसमें थोड़ा अलग था। यहाँ पे ये यहाँ पे कुछ और था उसमें, और ये वॉइस कमांड का बटन उसमें था ही नहीं फ़ोन, और ये वाला भी नहीं था फ़ोन का एयरफोन ब्लूटूथ। चलो तो ये जो भी कनेक्टेड है ये तो अलग ही चीज़, होम का है इसका यहाँ है, उसका यहाँ था। तो जो भी है इसमें जो चेंज है वो यहाँ पे है, बाकी यहाँ टाइम इसमें यहाँ बता रहा है। और क्विक एक्सेस सिस्टम भी 24 आवर्स फॉर्मेट, एडिट होम स्क्रीन, माई इमेजेस, कॉल टू कॉन्टैक्ट, पेयर डिवाइस सब ऑटो। ये नाइट पे हो गया, ये ऑटोमेटिक हो गया, ये डे पे हो गया। वाईफाई, चलो होम। तो ये तो हो गया इसके म्यूजिक सिस्टम की बात या इंफोटेनमेंट सिस्टम की। ये इसका हजार्ड लाइट्स का बटन, बाकी इसमें आपको वही ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे आपको मिल जाता है वही 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट, ये USB पोर्ट जो अभी वही है। वायरलेस चार्जिंग आपको इसमें नहीं मिलती है, खबर तो आई थी कि आएगी पर नहीं आई।
वही 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का आपको गेयर बॉक्स मिल जाते हैं, 2 यहाँ पे आपको फोल्डर्स मिलते हैं जो आपको कूल्ड मिल जाते हैं थर्ड क्लास, है वही आपको चाबी मिल जाती है जिसपे आपको खाली लॉक और अनलॉक का बटन मिलता है, प्लास्टिक की है जो कुछ मुझे खास पसंद भी नहीं आई। बताओ इन पर भी स्क्रैचें पड़ रही हैं। हो जा फोकस, इसमें आ नहीं रही पर हल्की हल्की इसमें अभी से ही स्क्रैचें पड़नी शुरू हो गई। इसको यहाँ टांग सकते हैं कहीं, नहीं टांगने का ऑप्शन भी तो नहीं है, जैसे हुंडई वाली में क्या होता है ना यहाँ टांग लेते हैं तो वो चलती नहीं है, इनमें यहाँ रखनी पड़ती है। बाकी अब करते हैं इसके हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात, तो एक बार इसको हम दबाते हैं तो ये अब हो गया ऑन। फ्यूल लेवल इज लो प्लीज फिल द टैंक। और हाँ इसमें ऐसे भी बोलती है, ZXI में नहीं बोलती, ZXI प्लस में ही बोलती है, गुड इवनिंग भी बोलेगी, गुड मॉर्निंग भी बोलेगी, और भी धीरे धीरे पता चल जाएगा क्या क्या बोलती है। अभी जो तो बोला है इसने वो मैंने वो बता दिया। ये इसके हो गए RPM, यहाँ पे आपको मिलती है इसकी स्पीड 220 220 इसकी मैक्स है, वहाँ नीचे आपको मिल जाता है इसका फ्यूल गेज, यहाँ पे आपको मिलता है इसका इंजन टेम्परेचर शो करेगा, 4.6 की एवरेज दे रही है, 6 किलोमीटर ये टोटल चली है, टाइम इसमें वहाँ ऊपर बता ही रहा है, स्टीयरिंग व्हील के जो भी सिस्टम था वो सारा मैंने आपको बता दिया, ग्लव बॉक्स में आपको दिखाता हूँ कूल्ड नहीं मिल रहा टॉप मॉडल में भी, वेंटी मिरर खाली आपको यहाँ पे पैसेंजर साइड मिलता है, ड्राइवर साइड इन्होंने ZXI प्लस में भी नहीं दिया। हाँ और हाँ रिवर्स कैमरा की मैं आपको वो दिखाता हूँ उसकी क्वालिटी, तो ये देखो ये तो क्वालिटी है, मुझे कुछ खास नहीं दिखी इनकी, अर्टिगा ही नहीं दिख रही इतनी खड़ी हूँ पीछे लाइन में, समझ ही नहीं आ रहा अर्टिगा तो मेरे को पता है मैंने वहाँ खड़ी कर रखी है इतनी। चेक सराउंडिंग्स फॉर योर सेफ्टी, तू तो थोड़ा ढंग से दिखा ना, इसमें आया 360 डिग्री कैमरा है राम, मैं कह इसमें आएगा, पर एक्सेसरीज में मैं आपको बता दूँ कन्फर्म है आएगा ही आएगा, गाड़ी मैंने देखी नहीं पर मेरे को कन्फर्म है, मुझे किसी ने बताया है। बाकी ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स मैंने आपको बता दिए, हैंड रेस्ट इसका जो किसी काम का नहीं है, हाथ रख लो बस उसमें थोड़ा बहुत काम आ रहा है, बाकी सामान तो भैया क्या ही रखूँगा इसमें मैं, मतलब ये इतना छोटा सा, अरे इसे थोड़ा बड़ा करते थोड़ा खिलाते पिलाते तब जाके तो मैं इसको थोड़ा सामान रख पाऊँ, जगह है नहीं इसमें सामान रखने की। ये इसकी हैंड ब्रेक है, होए राम फिर गरम, तो फिर मेरा फ़ोन गरम हो गया था, मैं आपको हैंड ब्रेक बता रहा था, इसके आगे आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है, बाकी कवर्ड है, बाकी वही कलर है डैशबोर्ड का सेम, ये गियर नॉब हो गया, इसमें थोड़ा पसीने वाले हाथ लग गए, बाकी कुछ नहीं है, ये भी आपको कूल्ड मिलता है, मैंने अभी जैसे AC चला रखा ना तो आ रही है हवा आ रही है, बाकी मैं इसको करता हूँ ऑफ, थोड़ी कम रखूँ थोड़ी ठंडी रहेगी ना गाड़ी, वरना बार बार ये फ़ोन गर्म होता रहेगा। तो फ्रंट से तो मैंने आपको पूरी दिखा दी, जो एक चेंज था, 2-3 चेंज थे जो फ्रंट में, एक तो क्रूज़ कंट्रोल, एक आपको स्टीयरिंग व्हील जो लेदर स्टिच्ड है, वुडन फिनिश, और ये वॉइस कमांड का बटन जो यहाँ है, और जो म्यूजिक सिस्टम है ये चेंज है। अब और रिवर्स में एक इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, और यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन जो उसमें नहीं था ZXI में, ZXI प्लस में आपको मिलता है, उसमें ये 2 तो थे, लाइट लेवलिंग का और यहाँ पे आपको वो स्मार्ट हाइब्रिड वाला ऑन ऑफ करने के लिए। चलो अब चलते हैं इसकी रियर सीट्स पे, बैक मैंने ज़्यादा तो नहीं ली, बस इतनी ठीक है। चलो बाहर मस्त हवा चल रही है, वे देखने में तो बड़ा मज़ा आता जब एक साथ खड़ी हो ना इतनी सारी लाइन में। तो ये इसका डोर है, बहुत बड़ा है यार वैसे तो, और बाकी यहाँ पे आपको वही टॉम डोर हैंडल, ग्रैब हैंडल, पावर विंडो, नीचे आपको बोतल होल्डर और थोड़ी सामान रखने की जगह मिल जाती है, बाकी वही सीट्स का डिज़ाइन जो कंपनी ने चेंज कर दिया, थोड़ा कलर चेंज कर दिया बस, और हो गई है फेसलिफ्ट। बाकी यहाँ पे वही 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट, थोड़ी यहाँ सामान रखने की जगह, थोड़ी यार बली अलग डिज़ाइन की बनाई है ये भी, और यहाँ पे आपको ना इसका लीवर मिल जाता है बैक एडजस्ट करने के लिए, ये पूरी पीछे आगे पीछे आप यहाँ से कर सकते हो उसको, ये देखो नीचे ये यहाँ पे है बस। चलो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके रेयर एसीवेंट्स रूफ पे, इनकी स्पीड वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, 1, 2 और ये 3, 3 के 3 रूफ हैंडल्स आपको फोल्ड वाले मिलते हैं इधर आगे आगे के, बाकी पीछे के 2 आपको स्टिल मिलते हैं। अरे यार ये फंस रहा है यहाँ पे, एक मिनट, और 6 के 6 एडजस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट भी मिल जाता है जिसके अंदर कप होल्डर है या नहीं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। यार हद हो गई, इसमें भी कप होल्डर नहीं दिया कंपनी ने टॉप मॉडल में भी, मतलब काई चीज़ के इतने पैसे ले रहे हैं ये। रेड सीट्स, ओ फ्रंट की दोनों सीट्स के बीच आपको मैगजीन होल्डर तो मिल ही जाता है एक, और बोला दूसरा रेयर से इसके डैशबोर्ड की लुक मैंने आपको दिखाई दी है,
रेयर से आप दिखा रहा हूँ, आगे से मैंने दिखाई दिया। और जो इसमें कंपनी ने बोल थे ना कि 4 एयरबैग आएंगे, पहले जब मैं आया ना गाड़ी देखने, मैंने कहा यार यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही एयरबैग की बैजिंग, मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ किसी को नहीं दिखेगी, बाकी जो बैजिंग थी वो यहाँ निकली है, देखो ऐसे सारे ऐसे एयरबैग सीट्स में है, ये रहा। तो उधर वाला मैं आपको उधर जाके दिखाता हूँ। तो जो टॉप मॉडल है उनमें तो आपको 4 एयरबैग मिलते हैं, और जो ZXi तक है उनमें आपको 2 ही मिलेंगे, हाँ ZXi तक 2 मिलेंगे, ZXi प्लस में आपको 4 मिलेंगे टॉप मॉडल में। इधर से दिखेगा या पीछे से ही दिखेगा? पीछे से ही दिखेगा। ये रहा एक और, 4 एयरबैग हो गए। बेलिनो में तो 6 दिए, इसमें 4 दिए, इतनी बड़ी गाड़ी हो, पता नहीं क्या सोचते हैं अलग ही, इनका दिमाग पता नहीं किस लेवल पे चलता है। बाकी एक एंटीना, ये कुत्ते खा जाते हैं, मेरे भैया की गाड़ी का भी खा गए एक दो बार, यही हाल है कुत्तों का। और बाकी अब इसकी आपको मैं लाइट्स और ऑन करके दिखाता हूँ। भी ऑन, ये हाई बीम भी, और हजार्ड लाइट्स भी ऑन। तो टॉप मॉडल में भी आपको हेलोजन बेस्ड ही मिलता है इसका प्रोजेक्टर, ये पूरा हेडलैम्प भी हेलोजन है, एलईडी तो कहीं यूज ही नहीं करी है, ये हेलोजन इसका प्रोजेक्टर हो गया। ये ऊपर पार्किंग लाइट, ये नीचे इसके हाई बीम पे ये चलेगा वरना नहीं चलता। बाकी इसका इंडिकेटर DRL वगैरह कुछ नहीं। नीचे आपको मिल जाता है इसका हेलोजन फॉग लैम्प, दूर से थोड़ी गाड़ी के लुक दिखाते हैं। अब साइड की प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल की तरफ चलें तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं इसके वेरिएंट्स पे, LED इंडिकेटर्स। रेयर की तरफ चलें तो रेयर में आपको इसके वही LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं। ब्रेक पे ये थोड़े डार्क हो जाते हैं, बाकी ये इंडिकेटर, ये इसकी रिवर्स लाइट। नीचे आपको डमी रिफ्लेक्टर्स मिल ही जाते हैं, और कुछ नहीं है खास। ऊपर आपका ब्रेक लैम्प हो गया, हाई स्टॉप लैम्प। चलो ये तो हो गई इस गाड़ी की लाइट्स की बात हो गई, बाकी जो मेन जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखाई दी, जो 2-4 चीज़ें उन्होंने चेंज करी हैं। काम का तो मेरे को क्या ही लगा, बस एक इंजन है जो मेजर अपग्रेड है इसका। इसमें 1.5 लीटर का ड्यूल जेट दे दिया, पहले नहीं आता था, जो भी इंजन है अभी अपग्रेड हो गया है। तो पहली बार जिसमें है वो अर्टिगा ही है, अभी और किसी गाड़ी में इन्होंने दिया नहीं है। आने वाले टाइम में विटारा ब्रेजा में भी आएगा, सब में आएगा, XL6 में भी देंगे ये, जब वो आएगी वो भी दिखाएंगे। अभी तक तो XL6 एक भी नहीं है स्टॉक यार्ड में। तो चलो ये थी अर्टिगा ZXi प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन में। और ZXi प्लस की अगर पहचान करनी हो ना किसी की भी वीडियो में, बस या तो अंदर भी दिखा रहा हो तो अंदर से स्टीयरिंग व्हील देख लो, वरना या रिवर्स पार्किंग कैमरा देख लो, बस ZXi प्लस वहीं से पता चल जाएगा। और ZXi और ZXi प्लस में आपको एक क्रोम स्ट्रिप मिल रही है बूट पे, वरना और किसी में नहीं मिलती, या सफ़ेद मूछें समझ लो। तो चलो यही थी आज की वीडियो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हो। इसके बाद आपको मैं ZXi प्लस ऑटोमेटिक की वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद VXi की भी दिखाऊंगा। और कई बोलो ना पहले बेस की दिखाया कर, बेस की ना 3 दिन पहले से ही यूट्यूब पे है, मोस्टली लोगों ने देख भी ली होगी, हमारे यहाँ गाड़ी लेट आई है। तो चलो ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में वो पूछ भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।